हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बैकग्राउंड रिमूव के टॉप 5 टूल्स इन वन क्लिक। तो अगर आपको भी सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने फोन को फ्लिप कर लो ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में। तो सबसे पहले मैं आपको दो वेबसाइट के बारे में बता दे रहा हूँ, जिसके लिए हम अपने क्रोम में आ जाना है और सर्च करना है बैकग्राउंड रिमूवर। सर्च करते ही आपको फर्स्ट ऑप्शन पर रिमूव पीजी का वेबसाइट आपको दिख जाएगा, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद अपलोड इमेज दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने गैलरी से फोटो को सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करते ही बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी एंड सिंपली हमें डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो हम चलते हैं दूसरे टूल पर, जो कि है एडोब का फ्री इमेज बैकग्राउंड रिमूवर। सिंपली इस पर हमें क्लिक कर लेना है एंड ओपन होते ही अपलोड योर इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये स्विच टू द ऐप का ऑप्शन देगा, हमें उस पर नहीं क्लिक करना है, हमें उसके ऊपर क्लिक कर लेना है एंड अपलोड इमेज पर क्लिक करके ब्राउज पर क्लिक करके गैलरी में आ जाना है और फोटो यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। एंड सेलेक्ट करते ही 5 से 10 सेकेंड यहाँ वेट कर लेंगे और यहाँ आपके फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो अब हम बात कर लेते हैं बाकी बचे 3 टूल्स की, जो कि एप्लीकेशन है, जिसके लिए हमें सिंपल अपने प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है एडोब एक्सप्रेस और हमें इस ऐप को सिंपली इंस्टॉल कर लेने के बाद ऐप को ओपन करना है एंड हमें साइन अप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके ईमेल डाल देना है एंड नीचे ऑप्शन के हिसाब से अपना पासवर्ड बना के कंटिन्यू कर देना है। फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद सिंपली इस आइकन पर क्लिक करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन पर टच करेंगे और फिर ऐड इमेज पर क्लिक करके अपने गैलरी में से अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद 5 से 10 सेकेंड का वेट कर लेना है और ये हमारा फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पर, जिसके लिए हमें प्ले स्टोर में सर्च करना है फोको बैकग्राउंड रिमूवर। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे एंड डाउनलोड हो जाने के बाद ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा, फिर हमें साइड पर क्लिक करके अपलोड इमेज पर क्लिक कर लेना है और हम अपनी गैलरी से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद 5 से 10 सेकंड में फ़ोटो के बैकग्राउंड को बहुत ही क्लीन रिमूव कर देगा। उसके बाद जिस फॉर्मेट पर सेव करना चाहते हो कर लें। यहाँ पर बस आपको एक बार साइन अप करना पड़ेगा, अपना ईमेल वगैरह यहाँ से डाल के साइन अप कर लेना है और फिर अपना फोटो डाउनलोड कर लेना है। एंड अब हम बात कर लेते हैं पांचवें टूल के बारे में, जिसका नाम पिक्सआर्ट ऐप है। तो पिक्सआर्ट ऐप का हमें मोड वर्जन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना। ऐप ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा आपको। एडिटिंग फोटो पर क्लिक करेंगे, गैलरी में जाकर अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिमूव वीजी का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और ये बहुत क्लीन तरीके से बैकग्राउंड को एक ही टच में रिमूव कर देगा। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद सिंपली हम अपने फोटो को जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में जिसमें सेव करना हो कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। होप कि ये टूल्स आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छे लगे हो दोस्तों तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह एडिटिंग टूल्स सब ट्यूटोरियल्स डालता रहूँगा मैं, तो हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।